दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार डाउनवर्ड मूवमेंट करती आ रही है। यहाँ पर काफी गिरता है मार्केट, उसके बाद एक उम्मीद बनती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चल जाएगा। तो अभी यहाँ पर मार्केट में जो हो रहा है, तो उसको लेकर काफी लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ से $25,000 जाएगा या बिटकॉइन यहाँ से $13,000 तक जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्रिप्टो प्रोडक्शन NFTs आर अंडरवेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की, देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड फॉर एनी लॉस फॉर सच ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पर दोस्तों ये BTC का डेली चार्ट है। अगर यहाँ पर डेली चार्ट पर हम बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन पर गौर कर लेते हैं, कुछ मार्केट का डेटा वगैरह ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्रिप्टो करेंसी की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, वो $977 बिलियन के आसपास दिख रही है। यानी अभी भी अगर बात की जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से 24 आवर्स के अंदर 0.7% का यहाँ पर गिरावट है। लेकिन हुआ क्या, 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गए, वहां से मार्केट नीचे गिरी है। लगभग मार्केट में अगर जैसे पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन के 3 हिस्से कर लेते हैं तो उसके 2 हिस्से खत्म हो चुके हैं, 1 हिस्सा बचा है। तो यही सेम कंडीशन हमारे पोर्टफोलियो की है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं BTC डोमिनेंस की अगर बात करते हैं 37.24%, और वहीं पर अगर हम इथेरियम की डोमिनेंस की बात करते हैं तो 16.3%। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 54% जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये इसका 54% कब्जा जो है वो बिटकॉइन का है, इथेरियम का है, बाकी बचा 46। तो उसमें कितनी क्रिप्टोकरेंसी के यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिल रहा है, 4,949। तो यानी कि यहाँ पर 4,947 क्रिप्टोकरेंसी में 46% भी यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का हिस्सेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन का पावर, यहाँ पर इथेरियम का पावर। यानी कि अगर इथेरियम ने अगर देखा जाए तो पीछे से बिटकॉइन को बहुत अच्छे से रिकवर किया है, और यहाँ पर इथेरियम को आगे लेकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, वो उस पर कभी और बात करेंगे। यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस की बात है तो बिटकॉइन के प्राइस की बात करेंगे तो देख सकते हैं 19,000 के आसपास होल्ड कर रहा है, एक मजबूत सपोर्ट एरिया है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है, उस पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और लगातार वहाँ से ऊपर नीचे कर रहा है। अब चलते हैं चार्ट पर, वहाँ पर डिटेल समझते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर भी, ताकि आपको अगर फ्यूचर में ट्रेड ले दो तो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पिछला जो चार्ट आपको दिखाया था वीडियो में, तो आपने देखा था कि ये एक रेड कलर की जो जोन है, काफ़ी एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर इसको वीकली चार्ट पर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से चार्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गौर कराना चाहूँगा आपका, ये जो पर येलो ये ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, जब भी प्राइस के आसपास आया है, प्राइस हिट करके ऊपर गया है, जब भी आया है हिट करके ऊपर गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राइस यहीं पर रुकने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है, मैं देखो अभी बिटकॉइन को लेकर पूरी तरीके से बुलिश नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो छोटे छोटे अप ट्रेंड भी उसमें आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, एक अप ट्रेंड आया, तो अगर इसको मेजर करोगे इस पॉइंट से 17,500 से, तो लगभग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि 43% का मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस वापस फिर उसी जोन के अंदर आया है, तो यहाँ से पुल बैक करके 25,000 तो मेरे हिसाब से दिखा सकता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए 13,000 भी आ सकता है तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर अगर ये ब्रेक होती है ये सपोर्ट, यानी एक मजबूत सपोर्ट है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ये एरिया है। यहाँ पर अगर वीकली चार्ट पर एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये था देखो प्रीवियस ऑल टाइम हाई और ये यहाँ पर सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो यहीं पर बिटकॉइन का प्राइस सपोर्ट ले रहा है। ध्यान से देखोगे तो वीकली चार्ट पर एक डबल बॉटम टाइप का यहाँ पर क्रिएट होता दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम 70-80% यहाँ पर मार्केट को लेकर बुलिश हैं, लेकिन पूरी तरीके से बुलिश नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मार्केट यहाँ से उठ कर जाएगी, इस जोन में आने की कोशिश करेगी, तो 24,000 से 25,000 यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। और ये अगर ये एरिया की बात करोगे तो लगभग 13 जून के बाद से ये एरिया बना हुआ है अभी तक। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा कुछ महीनों का वक्त हो गया और बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट पर है, ऊपर जा सकता है, 25,000 या 24,000 दिखा सकता है। इसको अगर ब्रेक करता है तो हल्का सा एक राइज लगा सकता है ऊपर, लेकिन वो आप इसको ब्रेकआउट मत समझना, क्योंकि यहाँ पर मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है जो कि है 28,000-29,000 का। ठीक है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है।
यहाँ पर हमें 25, तो यहाँ पर हमें जाता दिख सकता है 70-80% चांस हैं। हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट की कंडीशन चल रही है, तो अगर यहाँ से ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है, तो यहाँ पर मैं ये भी दिखा देता हूँ कि अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो मेजर सपोर्ट हमें मिलेगा इस एरिया में। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन की हिस्ट्री है, इसको देखकर आप समझ सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन का कभी भी ब्रेक डाउन नीचे के साइड नहीं हुआ है। काफ़ी टाइम से यहाँ पर BTC डाउनवर्ड मूवमेंट करता चल रहा है। अगर हम इस मूवमेंट को भी पकड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से प्राइस गिरा, फिर उठ के ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा और यहाँ पर कॉन्सोलिडेट हो रहा है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो 25,000 तक नियर अबाउट हम जा सकते हैं, 28,000 तक भी जा सकते हैं। तब भी यहाँ पर 28,000 तक जाने के बाद भी बिटकॉइन को बुलिश नहीं बोला जाएगा, मे भी यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है नीचे की साइड। तो मुझे लगता है कि अगर गिरने से पहले एक एक राइस तो यहाँ पर ये लगाएगा जरूर। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर 13,000 जा सकता है, 25,000 जा सकता है। तो ज़्यादातर चांस क्या है, ज़्यादातर चांस यहाँ मेरे भाई बन रहे हैं ऊपर जाने के, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गिर चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये अभी जो यहाँ पर आप देखोगे इस ये जो वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पर 15 अगस्त को मार्केट गिरी, उसके बाद 22 अगस्त को जो नेक्स्ट कैंडल बनी वीकली चार्ट पर उसमें मार्केट गिरी, तीसरा जो हफ्ता था उसमें मार्केट साइडवेज रही, फिर जो चौथा हफ्ता था यहाँ पर ये जो एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बुलिश बनती दिखी, तो हमें एक उम्मीद जगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन फिर 13 सितंबर को यहाँ पर आ गया CPI का डेटा, तो CPI के डेटे के अनुसार यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा आया, मतलब सिमिलर आया, 8.5 से 8.3 तक आया, थोड़ा सा 2 पॉइंट घटा, लेकिन उसको मार्केट ने सिमिलर रिएक्ट किया, निगेटिव रिएक्ट किया और मार्केट आ गई नीचे। सपोर्ट था यहाँ पर, हम इसलिए बच गए, यहाँ पर ज़्यादा नीचे नहीं गिरे। उसके बाद का जो हफ्ता हुआ उसमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घोषित किया गया, तो उसमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई, 1,000 US डॉलर या 1,500 US डॉलर की गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इस कैंडल को अगर देखते हो, यहाँ पर जो प्रेजेंट वीक की कैंडल बन रही है अभी, जो कल ख़त्म हो जाएगा, ये देखो ये कैंडल जो बन रही है, मैं ये एरो हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगी। ये देखो इसकी नीचे भी टेल है, इसकी ऊपर भी टेल है, तो यहाँ से मैं ये भी टेल हटा देता हूँ। ये देखो कितना नीचे तक गया था, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो एक विक बनेगी बड़ी सी जो नीचे तक प्राइस को लाएगी लेकिन वापस फेकआउट करके इसके अंदर। तो ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वीकली क्लोजिंग हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलती दिख रही है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीक बिटकॉइन के लिए प्राइस के लिए थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। बस दुआ ये करना है जो फंडामेंटल निगेटिव न्यूज़ आ रही है ना, और क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिटकॉइन को लेकर, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती हैं प्राइस को। तो फिर भी यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि ये एक मजबूत सपोर्ट जोन है जहाँ पर हम लगातार सपोर्ट ले रहे हैं। कल की कैंडल यहाँ पर, कल के दिन तक की कैंडल चलेगी। अब ये यहाँ पर भी अगर इसके नीचे भी क्लोज करती है तो यहाँ पर भी हमें सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो ये एक मजबूत सपोर्ट एरिया बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक मजबूत सपोर्ट एरिया बन रहा है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर हमने BTC USDT का पेयर लिया है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक, जैसे कि ये एक अपसाइड मूवमेंट लगा था, मैं दिखा देता हूँ चैनल के माध्यम से, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये रफली करके दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो ये इस तरीके से आपने देखा था, इसके अंदर ही प्राइस जिगजैग करता हुआ एक अप ट्रेंड मूवमेंट दिखा रहा था, जो कि यहाँ से लगभग 43% का मूवमेंट, तो मार्केट 25,000 तक गई थी, वहाँ से नीचे गिरी, नीचे गिरी, तो अब देखेंगे हम तो इस चैनल के अंदर रिएक्ट करती हुई आ रही है। एक मिनट, यहाँ पर आप देखोगे तो इस चैनल के अंदर हमें रिएक्ट करती हुई दिख रही है, तो ये लोअर बॉटम पर आ गई है, तो मार्केट थोड़ा सा पुश करके इस तरह से चल सकती है। ठीक है, तो ये 21,500 का एरिया होगा, उसके बाद हमारी ये जोन है जहाँ तक मैंने आपको बताया कि 25,000 तक प्राइस जा सकता है, तो जो पीछे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा, ये सब हम हटा लेते हैं, अभी तो फिलहाल हमारा यही चैनल काम करेगा, जो ये यहाँ पर मैंने ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाई है और एक ट्रेंड लाइन नीचे लगाई है, तो ये सपोर्ट का काम कर रही है आप देख सकते हो, और ऊपर की ट्रेंड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। और अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, तो हम देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पर देखो यहाँ पर ये सपोर्ट मिलने के बाद ये एक राइज लगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट लो हो गए। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन को लिया और इस तरह से इसको
यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, तो लगभग यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन देखो, ये इसको हमें और नीचे करना होगा, ये ऐसे होगी, ये इस तरह से हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब हम ऊपर के हाइज जो देख रहे हैं, तो वो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, एक हाइज तो ये बना और एक हाई ये बना और एक हाई ये बना, तो हम इस तीनों हाई को मिलाने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा है इस तरह से, पहले तो आप जो दो हाई मिल रहे हैं उसको मिला लो, उसके बाद इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को लगा लो ठीक से, ठीक है। ये लगा ली हमने ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर प्राइस के अपडेट के साथ साथ आपको कुछ कुछ सिखाने की भी कोशिश करता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से मूवमेंट हुआ, इस तरह से अपसाइड मूवमेंट हुआ, इस तरह से डाउनसाइड मूवमेंट हुआ, इस तरह से अपसाइड मूवमेंट हुआ, और इस तरह से मार्केट गिरती हुई, तो मैं भी यहाँ से इस तरह से मूवमेंट कर सकती है, तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद फिर पुल बैक लेके इस चैनल के ऊपर आने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं ये चैनल जो बन रहा है ये क्या है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि अपसाइड डायरेक्शन में फट सकता है ऊपर के साइड, और यहाँ पर हम चार्ट को जब श्रिंक कर लेते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से हम यहाँ पर मार्कर को लेते हैं, और यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगी, रेजिस्टेंस लेगी, वापस गिरेगी, फिर इसको तोड़ने की कोशिश करेगी, और इस तरह से धीरे धीरे इसमें टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीक में लास्ट तक भी ये चीज़ हो सकती है। तो मे भी अगर यहाँ तक हम जाते हैं तो हमारा टारगेट क्या हुआ, हमारा टारगेट हुआ 21,000 लगभग 500, यहाँ पर 21,500 का एरिया हम रखते हैं, तो इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा 21,500 का एरिया, तो यहाँ तक जा सकते हैं। अब ये चैनल तो देखो ये डाउनवर्ड चैनल है जो 4 आवर्स के चार्ट में मैंने दिखाया, जो अभी बन रहा है, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ सकें। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक चैनल अपसाइड था, ये चैनल डाउनसाइड का है, तो ये यहाँ से हम जा सकते हैं 15 मिनट के चार्ट के इसके अंदर ही रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे 21,500, और जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो 25,000। तो आपके समझ में आ गया कि किस तरह से यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको अपडेट करने की कोशिश की, और यहाँ पर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर भी अपडेट करने की कोशिश की है। मार्केट नो डाउट देखो बेरिश है दोस्तों, और अगर यहाँ पर हम BTC का हमें बड़े टाइम फ्रेम पर जब ट्रेंड देखते हैं किसी चीज़ का, तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, तो BTC का ट्रेंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता दिखता चला आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ट्रेंड लाइन को, तो समझ सकते हैं यहाँ से जो मैंने आपको 28,000 का जो लेवल दिया है तो वही इसी ट्रेंड लाइन पर जाकर हिट करेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ देखो, काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ सीख गए हैं, पहले कुछ भी नहीं मालूम था, क्रिप्टो करेंसी का सी नहीं मालूम था, ट्रेडिंग का टी नहीं मालूम था, लेकिन काफ़ी कुछ नॉलेज हो गई है। तो नॉलेज रखना ज़रूरी है मेरे भाई कम्युनिटी की हेल्प के लिए, और आप ही लोग कम्युनिटी हो क्रिप्टो करेंसी की इंडिया के अंदर, तो उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैं लगातार कोशिश यही करता हूँ कि मेरी तरफ से जो न्यू कमर्स हैं, न्यू बिगनर्स हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो इस चीज़ को समझें। बाकी आप ट्रेडिंग एक बार सीख लेते हो तो फिर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करो या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो या फॉरेक्स में करो, एक ही बात है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ही तरह से होती है। तो लगातार मैं अपनी कोशिश में लगा रहता हूँ, और यहाँ पर जितने भी आपको मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर दिखाएंगे ये सब ओरिजिनल हैं, यहाँ पर बाई करे हुए सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों। अगर बाई करे हुए होते तो मैं भी बहुत अच्छे फंड यहाँ पर होल्ड रखता हूँ, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बाई कर सकता था। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, और यहाँ पर आप समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर ओरिजिनल ऑनेस्ट सच सुनने को कहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आपको सच सुनने को मिलता है, आप खुद यहाँ पर, मैं अपनी बात खुद नहीं कर रहा हूँ, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग जुड़े हो पहले से तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर आपको लगे मैं सही बोल रहा हूँ तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो दोस्तों, मुझको याद दो, नेक्स्ट अपडेट मिलने की कोशिश करता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss for such transactions.